गुड आफ्टरनून हमारे सभी प्यारे व्यूअर्स को। और आज की वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज बेस्ड ऑन लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग से रिलेटेड यहाँ पे एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे, 25 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने जो है लेटर राइटिंग के बारे में सीखा, लेटर राइटिंग के टाइप्स के बारे में सीखा और डिफरेंस क्या होता है, जो अंतर क्या होता है लेटर्स के बीच, फॉर्मल और इनफॉर्मल, वो सीखा और उनको कैसे लिखा जाता है इनके बारे में, यानी कि उनकी राइटिंग स्टाइल्स के बारे में सीखा था। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज, और जो है एमसीक्यूज के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे लेटर राइटिंग्स को। तो आप अपना स्कोर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहले नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ राइटिंग लेटर्स। लेटर्स लिखने का मेन पर्पज़ क्या होता है? टू सेंड इन्फॉर्मेशन, सूचना देना, न्यूज़ देना, ग्रीटिंग्स, या ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो न्यूज़, अगर जब लेटर्स की बात करें तो लेटर्स का उद्देश्य क्या होता है? इन्फॉर्मेशन देना होता है, न्यूज़ भी देना होता है, या ग्रीटिंग्स, और ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर्स। लेटर्स जो हैं कितने टाइप के होते हैं ये हमें बताना है। ऑप्शन हमारे पास चार हैं। करेक्ट आंसर की ओर हम बढ़ेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेटर्स जो है टू टाइप्स के होते हैं, एक फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स जो हैं वो ऑफिशियल पर्पज़ से लिखे जाते हैं, बिजनेस पर्पज़ से लिखे जाते हैं, जिसके अंतर्गत हमने टाइप्स डिस्कस किए थे। एप्लीकेशन भी हो सकती है, कंप्लेंट लेटर्स भी हो सकते हैं, जॉब से रिलेटेड भी हो सकते हैं। और अगर बात करें दूसरी ओर, इनफॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं फैमिली मेम्बर्स को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ गुड लेटर नीड नॉट टू हैव, नॉट हैव, जो एक अच्छा पत्र है उसमें ज़रूरत नहीं होती किस चीज़ की? प्रॉपर सैल्यूटेशन, क्लैरिटी ऑफ सब्जेक्ट, क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज, लैटिन कोटेशंस। तो अगर बात करें, प्रॉपर सैल्यूटेशन तो होना ही चाहिए, क्लैरिटी भी होनी चाहिए सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट किस बारे में है, यानी कि किस बारे में लेटर लिखा जा रहा है, ये भी ज़रूरी है। उसकी लैंग्वेज स्पष्ट होनी चाहिए और सिंपल होनी चाहिए, और जो कि इंटरप्रेट करने में भी आसानी हो उसको। तो कौन सा इसमें ज़रूरत नहीं है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी, लैटिन कोटेशंस की इसमें ज़रूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पास है, आप देख सकते हैं, हाउ वुड यू एड्रेस द रेसिपिएंट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर। तो आप कैसे एड्रेस करेंगे रेसिपिएंट जो इनफॉर्मल लेटर में है, उनको, जिनको आप यानी कि पत्र लिख रहे हैं, तो उनको कैसे संबोधित करेंगे? एड्रेस होता है ये, एड्रेस नहीं होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन एड्रेस कहा जाता है। एड्रेस मिस होता है संबोधित करना, एड्रेस मिस होता है पता। देखिए इसमें स्पेलिंग जो है सेम है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा ये हमें बताना है इनफॉर्मल लेटर में। तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं और करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर माई डियर, इनफॉर्मल लेटर की अगर बात करेंगे। इन ऑर्डर टू हैव द डिजायर्ड इफेक्ट ऑन द रेसिपिएंट, व्हाट शुड अ लेटर बी। तो लेटर को किस टाइप का होना चाहिए, अगर हम जो हमारे अपने इच्छित जो इफेक्ट हैं वो रेसिपिएंट पर पड़े हम चाहते हैं, तो उसके लिए लेटर किस टाइप का होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए, टू द पॉइंट एंड रेलिवेंट होना चाहिए, बिल्कुल एकदम सटीक होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, और ऑल ऑफ द अबव, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ लेटर, यानी कि प्रकार नहीं है, कौन सा जो है लेटर का प्रकार नहीं है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन हमारे पास चार हैं। तो इसमें अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो वर्बल जो है लेटर नहीं है, काइंड ऑफ लेटर नहीं है, लेटर का प्रकार नहीं होता है वर्बल। विद लव इज यूज्ड इन विच पार्ट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। विद लव जो है इनफॉर्मल लेटर के कौन से पार्ट में यूज किया जाता है? तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं यहाँ पर, हेडिंग में, ओपनिंग में, बॉडी में, या क्लोजिंग में। तो क्लोजिंग यहाँ पे हो जाएगा डी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच सिक्वेंस इज फॉलोड इन अ लेटर, तो लेटर में कौन सा सिक्वेंस जो है फॉलो किया जाता है? तो पहले नंबर पे आपको पता है, अगर इसकी बात करें तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। पहले नंबर पे आएगा सैल्यूटेशन, फिर आएगा मेन बॉडी, फिर आएगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। जो ऑप्शंस यहाँ पे हैं उनके हिसाब से हम बात करें, अदरवाइज हमने इससे पहली वाली वीडियो में डिस्कस कर रखा है, पहले नंबर पे सेंडर से एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर से एड्रेस, इस टाइप से
उसके बाद जो है रिसीवर से एड्रेस के बाद सब्जेक्ट आता है, तब जाके सैल्यूटेशन आता है अगर फॉर्मल लेटर की बात करें। सेंडर्स कंप्लीट एड्रेस इज रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ लेटर। तो किस टाइप के लेटर में सेंडर के पूरे एड्रेस की ज़रूरत होती है, पूरा उसका पता होना चाहिए, तो बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। विच लेटर इज अ फॉर्मल टाइप, तो कौन सा लेटर जो है फॉर्मल टाइप है। फॉर्मल लेटर किसको लिखे जाते हैं, तो द एडिटर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, और जो है फ्रेंड, मदर, सन, ये सब रिलेटिव या फैमिली से रिलेटेड आ जाते हैं, ये इनफॉर्मल लेटर का पार्ट। विच टाइप ऑफ लेटर इज इनफॉर्मल, तो इनफॉर्मल लेटर कौन सा है, तो इनफॉर्मल लेटर कौन सा है, ऑफिशियल, एडिटर, बिजनेस, ये सब फॉर्मल के टाइप हैं। इनफॉर्मल में आ जाएगा पेरेंट्स करके, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच सिक्वेंस इज फॉलोड इन इनफॉर्मल लेटर, तो एन इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर में कौन सा सिक्वेंस फॉलो किया जाता है, इसमें अगर बात करें सेंडर से एड्रेस, द डेट, उसके बाद साइन तो आएगा नहीं, अब हमें इसी फॉर्मेट को ढूंढना है, सेंडर से एड्रेस तो आएगा ही आएगा, उसके बाद डेट आएगी, फिर सैल्यूटेशन, फिर मेन बॉडी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, इन विच लेटर योर्स अफेक्शनेटली इज रिटन, तो योर्स अफेक्शनेटली कौन से लेटर में लिखा जाता है, ये लिखा जाता है इनफॉर्मल लेटर में। इन विच लेटर योर्स सिंसियरली इज रिटन, तो कौन से लेटर में योर्स सिंसियरली लिखा जाता है, तो ये लिखा जाता है फॉर्मल लेटर में। विच इज़ द करेक्ट स्टाइल, तो स्टाइल कौन सी करेक्ट है अगर हम लिखना चाहें, तो योर्स ओविडेंटली, योर ओविडेंटली, योर्स ओविडेंटली, योर ओविडेंटली, तो चार हमारे पास ऑप्शन है और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, योर्स ओविडेंटली होता है, ये करेक्ट है। व्हाट शुड बी द टोन ऑफ फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर की टोन क्या होनी चाहिए, फॉर्मल लेटर जो है फॉर्मल टोन होनी चाहिए, पोलाइट टोन होनी चाहिए, डायरेक्ट होनी चाहिए, ऑल ऑफ दीज, ये सारी होनी चाहिए, इसमें फॉर्मल भी होनी चाहिए, पोलाइट भी होनी चाहिए और डायरेक्ट भी होनी चाहिए, घुमा फिरा के उसमें बातें नहीं होनी चाहिए। व्हाट शुड बी द लैंग्वेज ऑफ फॉर्मल लेटर, तो लैंग्वेज क्या होनी चाहिए फॉर्मल लेटर की, तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं और करेक्ट आंसर की ओर हम बढ़ेंगे, तो ये होनी चाहिए क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल एकदम साफ साफ मीनिंग उसकी निकलनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, व्हाट शुड बी द स्टाइल ऑफ इनफॉर्मल इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर की स्टाइल क्या होनी चाहिए, लूसिड होनी चाहिए, टच ऑफ इंटीमेसी होनी चाहिए उसमें, सिंपल एंड फेमिलियर होनी चाहिए, या ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज ये सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए इनफॉर्मल लेटर में। लेटर्स आर इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ, तो किसके होते हैं, किसका माध्यम होते हैं लेटर्स जो हैं, किसका महत्वपूर्ण, किसका जो है महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं, तो कम्युनिकेशन का होते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेटर राइटिंग इज कम्युनिकेशन बिटवीन, लेटर राइटिंग जो है वो कम्युनिकेशन है किस किस के बीच का, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, टू और मोर, टू और जो है मोर पार्टीज, यानी कि दो या उससे ज़्यादा पार्टीज के मध्य जो है कम्युनिकेशन है ये। फॉर्मल लेटर फॉलो सच पैटर्न, तो फॉर्मल लेटर जो है वो फॉलो करता है किस टाइप का पैटर्न, उसमें रूल्स भी होने चाहिए, रेगुलेशंस भी होने चाहिए, फॉर्मेलिटी भी होनी चाहिए, ऑल ऑफ दी अबव, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, द फॉर्मल लेटर इज यूज्ड, तो फॉर्मल लेटर यूज किया जाता है, किसमें किया जाता है, बिजनेस, सर्कुलर लेटर, ऑफिशियल ऑफिशियल एंड एम्प्लॉयमेंट, डी यहाँ पर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। तो फॉर्मल लेटर के टाइप्स में हमने इसको सीखा था इस बारे में। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर का, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ लेटर, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है लेटर का, तो ये होती है मेन बॉडी, अगर बॉडी की बात करें तो। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड इन अ फॉर्मल लेटर, तो फॉर्मल लेटर की अगर बात करें, औपचारिक पत्र की अगर बात करें, तो कौन सी चीज़ हमें दिमाग में रखने की जो है बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है, तो शॉर्ट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ये सारे इसमें इसके गुण हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑल ऑफ दीज। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द इम्पोर्टेंट कंसर्न ऑफ अ फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर में सबसे मेन चीज़ जो ध्यान देने योग्य है या जिसको मेंशन किया जाता है वो क्या है, इन दी बॉडी, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, ओपनिंग, जो जो उसका मेन विषय है जिसको मेंशन किया जाता है वो किसके ज़रिए किया जाता है या क्या होता है, कहने का मतलब है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से ही पता चलता है कि लेटर किस बारे में लिखा गया है। दो चीज़ें लेटर में हमें ध्यान रखनी होती हैं, एक तो किसको लिखना है, अगर हम लेटर जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, हमें क्वेश्चन अगर समझ में आ गया कि किसको लिखना है, किसको लिखना है अगर आपको पूछना है, किसको लिखना है इसका आंसर मिल जा रहा है, तो वो रिसीवर है, रिसीवर को लिखना है, तो उसका आपको एड्रेस वहाँ पे मिल जाएगा, और किस बारे में लिखना है,
ये अगर आपको पता चल जाता है तो ये सब्जेक्ट है, इसके बाद आप फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। और ये तो पता है ही आप कौन हैं उसमें दिया रहेगा, तो आपका पूरा फॉर्मेट आप बना सकते हैं। एक बार अगर आपने फॉर्मेट बना लिया, क्लास ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो फॉर्मेट के ही अगर 8 मार्क्स का लेटर है तो आपको उसके 50% मार्क्स यानी कि 4 नंबर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे फॉर्मेट अप्लाई करते ही। फिर उसके बाद आप कुछ लिखते हैं तो वो तो आपके लिए एडिशनल है, और आपने उसमें अगर उसके हिसाब से बना दिया तो आप 8 out of 8 वहाँ पर गेन कर सकते हैं। और जो हमारे साथी जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, मुझे लगता है ये वीडियो, इस वीडियो को अगर उन्होंने पूरा वॉच कर लेते हैं तो इसके बाद उनका जो लेटर राइटिंग से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लिटरेचर और ग्रामर से रिलेटेड हर एक टॉपिक को बारीकी से कवर करने की हमारी कोशिश जारी है। इसके लिए आपका सहयोग बहुत बेहद ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।